क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए? अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3,800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकर लैंड है, इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है, आराम से हाथ से जा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। बेशक, बेशक, ये हमारा फर्ज है। बेशक, अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमें हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेस करो, और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट, अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को आप देखेंगे, अभी शुरू हो गया, मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट, व्हाट इंसाइटिंग हेट, मैं हक मान रहा हमारा, इफ़ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान